बालासोर से अभी अभी ये खबर आई है, रेलवे सेफ्टी कमीशन की जांच शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे कमीशन की जांच शुरू हो गई। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर बहनागा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया है, वहां पर जांच कर रहे हैं और स्टेशन मैनेजर से भी बातचीत की है उन्होंने। जांच चल रही है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा है वहां पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत भी की है। रेलवे सेफ्टी मैनेजर बहनागा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की लगातार जांच चल रही है। बालासोर में जो रेलवे हादसा हुआ था, बहनागा स्टेशन के नजदीक हुआ था। बहनागा स्टेशन पहुंचकर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने न केवल जांच की बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की मशीन के पास भी जांच पड़ताल की। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्टर्न सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी आपके सिस्टम को बता दिया जाएगा। कमिश्नर ने स्टेशन मास्टर से भी बातचीत की है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं बालासोर रेल हादसे से जुड़ा हुआ। अब तकरीबन 51 घंटे बाद वहां पर, यानी कि बालासोर के उस हादसे वाली साइट पर रेलवे ट्रैफिक शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े, जो कि लगातार पिछले कई घंटों से वहां से सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप। CCRS कमिश्नर जो है वो थोड़ी देर पहले ही बहनागा रेलवे स्टेशन पर जो पैनल रूम है, जहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो होता है, वहां पर थोड़ी देर पहले ही उन्होंने यहां का जायज़ा लिया और कई अधिकारियों से यहां पर बातचीत भी की है। दरअसल रेलवे भी इंक्वायरी कर रहा है, उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट को सौंपनी है और कमिश्नर खुद यहां पर पहुंचे थे। ये वो पैनलिंग सिस्टम है जो कि बहनागा रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी गाड़ियां यहां से गुजरती है उसको यहां से उसका देखता है। ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन्युअली इसको ऑपरेट करना होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। और इस वक्त थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर CCRS कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ पर जो अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पे थे उनसे बातचीत की और जो जानकारी उन्हें यहाँ से इकट्ठा करना था वो भी जानकारी जो है यहाँ से इकट्ठा करके वो लेकर गए, क्योंकि ये अभी तक जो है वो रिपोर्ट उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं सौंपी है। लेकिन मुख्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि फाइनल स्टेज में रिपोर्ट है, उसी के सिलसिले में वे इस पैनल के यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां से सभी की जानकारी जो है क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।